प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। प्रदेश की पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा और पार्टी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सरकार को घेरा। निमराणा के साजापुर इलाके में एक 8 साल के दलित बच्चे का गला काट दिया गया। गला काटने से पहले उसके शरीर पर चाकू गोदे गए और एक 8 साल के बच्चे को गला रेतकर मार दिया गया। दलित बच्चे की हत्या हो गई। कल शाम से वो बच्चा अपने घर से लापता था। परिजन पुलिस के पास गए और पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। दूसरे दिन सुबह घर से केवल 500 मीटर दूर उसकी लाश मिलती है। ये राजस्थान का आज का आलम है कि पुलिस जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट करने के बाद भी तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाती। राजस्थान की स्थिति यह है कि आज प्रतिदिन यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं होती हैं। दिन प्रतिदिन लोगों की जो हत्याएं हैं वो राजस्थान के इस कुशासन के काल में बढ़ती ही जा रही हैं। हमारे माननीय गहलोत साहब रोज आप लोग से रूबरू होते हैं लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ बातें नहीं करते हैं। मोबाइल जरूर महिलाओं को देने की बात करते हैं पर सुरक्षा पे गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आज बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सरकार में भी कार्य करने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि महिला राजस्थान में महिला उत्पीड़न बढ़ा है। इसकी बानगी मैं राजस्थान की महिला आयोग की चेयरपर्सन के बयान को कोट करूंगी। उन्होंने कल ही शायद पीसी की है या क्या की है, अखबारों के कटिंग हमारे पास हैं और वो कहती हैं कि महिला से उत्पीड़न व बलात्कार के महिला उत्पीड़न बलात्कार के मामलों में पुलिस की ओर से न्यायोचित कार्रवाई जरूरी है, यानी राजस्थान में ये कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, उनके ही सरकार की महिला आयोग की चेयरपर्सन ये बात कहती है।